हेलो माय डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप डेली क्रांति टेस्ट सीरीज़ का वेट करते हैं तो लीजिए आ चुकी हूँ मैं आपके लिए लेकर क्रांतिकारी टेस्ट सीरीज़ आज इसमें पूछे जाने वाले हैं आपके पंद्रह क्वेश्चन तो बताइएगा अपना स्कोर आपने कितना मार्क्स स्कोर किया है हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाएँ आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के उद्योग उद्योग में इसमें आपका लोह उद्योग सूती वस्त्र उद्योग जूट उद्योग कई सारे उद्योग आपको देखने को मिलेंगे और वहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें आज हम सॉल्व करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है मतलब सबसे अधिक पैसा लगा हो ऐसा उद्योग ओवरक उद्योग लौह स्टाप उद्योग दवा व रसायन उद्योग या रंग रोंगत उद्योग आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं बताए इसका राइट आंसर क्या होगा और आज मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम जल्दी करिए जल्दी करिए तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट्स की बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज जल्दी कराऊंगी तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा लौह इस्ताप उद्योग जहाँ पर सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है ठीक है तो देखिए लौह स्टाप जो उद्योग है वो बहुत पुराना है यहाँ पर आपके सबसे पहले हम देखें तो पश्चिम बंगाल ठीक है छत्तीसगढ़ झारखंड ये सब कुछ जगह हैं जहाँ पर आपके लौह स्टाप उद्योग के केंद्र स्थापित किए गए हैं ठीक है और इसमें सबसे अधिक निवेश हुआ है बात करें विश्व में लौह स्टाप बनाने का सबसे निर्माण कार्य जो है भारत कितने नंबर पर आता है तो भारत आता है चौथे नंबर पर इसका आपको ध्यान रखना है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भारत में लौह उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है क्योंकि यहाँ लोहा बहुत पाया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आधुनिक लौह स्थाप उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने के साथ हुआ था कुल्टी बर्नपुर जमशेदपुर या फिर गोपालपुर यहाँ पर पूछा हुआ है सबसे पहले आधुनिक लौह स्टाप उद्योग सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा कुल्टी अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुल्टी कहाँ पर है तो कुल्टी आपका आता है पश्चिम बंगाल में आसन सोल जगह है वहाँ के पश्चिम बंगाल में कुल्टी स्थित है कब स्थापना की गई थी एटीन में इसकी स्थापना की गई थी पहली बार ठीक है लौह उद्योग के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं लौह स्टाप उद्योग के बारे में किस स्थान पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है इसे भी आप लिख लीजिएगा डेली हमारे स्टूडेंट्स इसका वेट करते हैं तो अच्छी बात है आप इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए कल सर आपके लाइव आए थे उसमें उन्होंने आपकी जितनी भी क्वारीज थी उनका आंसर दिया था तो अभी जो हमारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है चाहे वो बी एच यू इंट्रेंस हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो या फिर ए एम यू जे एम आई किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट्स थे उसके लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं कल सर लाइव आए थे तो वहाँ पर आपकी सारी क्वेरीज दूर हो जाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तट आधारित स्थाप संयंत्र कहाँ स्थित है मतलब एक ऐसी जगह मतलब तट पे पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है तो सलेम सलेन या फिर मंगलूर तो देखिए है तो सभी तट पर स्थित पर वहाँ पर संयंत्र स्थापित है ये पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका विशाखापतनम तो देखिए विशाखापत्नम आपका जो एक प्राकृतिक बंदरगाह है क्योंकि क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बताइए कृत्रिम बंदरगाह है मतलब उसको बनाया गया है बट अपने से बना बनाया जो बंदरगाह होता है उसे कहते हैं प्राकृतिक बंदरगाह तो विशाखापत्नम आपका कौन सा आता है प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत आता है दोस्तों इसके अलावा ये बहुत ही अच्छी जगह है बहुत ही सुंदर जगह है तट पर स्थित है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो दृश्य है देखने लायक बहुत ही खूबसूरत होता है विशाखापटनम कहाँ पर स्थित है तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में ठीक है आंध्र प्रदेश में दोस्तों जो भारत का तटीय इलाका है उसे हम मुख्य कई भागों में बांटते तीन से चार भागों में बांटते हैं जैसा आपने सुना भी होगा कोरोमंडल ठीक है और आपका मालाबार तट जो कि केरल के तट को कहा जाता है और उत्तरी सरकार तट ये उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं तो जो आपका आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार तो इस तरह से भी आप मतलब समझ सकते हैं कि उत्तरी सरकार में जो है वह स्थित है आपका विशाखापतनम है ना तो राइट आंसर मैंने आपको बता दिया विशाखापतनम है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दुर्गापुर लौह स्थाप संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है तो देखिए जब उद्योग की बात होती है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ठीक है तो बहुत सारे देश भी मदद करते हैं इसी को तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब हमारे संबंध दूसरों से अच्छे होंगे तो चाहे कोई भी कार्य हो उसे करने के लिए मतलब हमें हेल्प मिलती है जैसे अभी आपने कोरोना पीरियड में देखा होगा भारत ने भी मदद की है जो यहाँ पर आपके डोजेस बन रहे थी वैक्सीन्स तो उन्होंने कई देशों में उसे दिया ठीक है तो जैसे साउथ अफ्रीका के अभी साथ देख रहे संबंध बहुत अच्छे हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत मतलब दिया तो इसी तरह से जो दुर्गापुर लोह स्थाप संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था यह आपको यहां पर आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर दोस्तों जाएगा ब्रिटेन ठीक है ब्रिटेन इसका सही उत्तर है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर राउरकेला स्थाप संयंत्र की स्थापना हुई थी किसकी सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राहुकेला के बारे में पूछा हुआ है यूनाइटेड किंगडम रूस संयुक्त अमेरिका या फिर जर्मनी तो दुर्गापुर आपका आता है पश्चिम बंगाल में ठीक है और राहुकेला की बात करें तो ये अभी आता है उड़ीसा में क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी जर्मनी की सहायता से आपका रावकेला स्थाप संयंत्र तो स्थापित किया गया था रावकेला कहाँ पर स्थित है अभी वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है ठीक है चलिए क्या हम आगे बढ़ें ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो और कोई भी हमारे दोस्त चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो को यहाँ पर आपको अपडेट दी जाती है दोस्तों यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और अभी जितना आपका सी सी टी हमने आपको न्यूज़ दी है अन्य यूट्यूब ने नहीं दी है लगातार आपको सी सी टी से रिलेटेड अपडेट दी जा रही हैं तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें सभी दोस्तों के सा साथ इधर शेयर करें हम जो भी अपडेट देते हैं लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उन्हें सभी बातों का पता चल सके इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ ही शेयर भी अवश्य करें बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था यूके यूएसए रूस या फिर जर्मनी इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका रूस और कई जगह आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है सोवियत संघ ठीक है भिलाई के बारे में हम बात करें तो भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था या तो रूस भी ऑप्शन में आ सकता है या फिर सोवियत संघ भी आ सकता है कब किया गया था तो नाइनटीन फिफ्टी फाइव ओके और भिलाई संयंत्र ये है कहाँ किस राज्य में अभी आता है तो आता है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्योंकि सिर्फ आपको नाम नहीं याद करना वो किस जगह पर स्थित है ये भी याद करना है है ना तो इसलिए आप ऐसे करके याद करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की सहायता से स्थापित लौह स्ताप संयंत्र है ऊपर हमने अभी रूस का देखा ही था तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन पता ही होगा खैर आप सभी को पढ़ लीजिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा सभी मतलब रूस की सहायता से आपका बोकारो भी स्थापित हुआ है भिलाई भी स्थापित हुआ है और विशाखापत्नम भी स्थापित हुआ है ठीक है बोकारो आपका झारखंड में आता है जो कि भारत में आपका उड़ीसा के बाद अगर खनिज की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड बहुत ही जो है संपदा वाला क्षेत्र है मतलब काफ़ी अच्छे मात्रा में वहाँ से हमारे खनिज उत्पादन मिलते हैं दूसरी बात मैंने भिलाई की बताई तो भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में आता है छत्तीसगढ़ राइटिंग थोड़ी आपको अच्छी समझ में नहीं आ रही होगी इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लिखने में यहाँ पर वो होता है ठीक है विशाखापत्नम मैंने आपको बताया कि ये आपका उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है इसको आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई दुर्गापुर और रावकेला में लौह उस्ताद की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली थी कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं थी इसमें गरीबी हटाओ फिर उद्योगों पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर पूछा गया किस पंच पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द्वितीय सेकेंड पंचवर्षीय योजना में आपकी भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में लौह स्थापित जो है स्टाप संयुक्त स्थाप की स्थापना की गई थी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है भारतीय स्टाप प्राधिकरण लिमिटेड मतलब सेल की स्थापना की गई थी सेल की स्थापना कब की गई थी और कि क्या है तो देखिए अभी मैंने आपको जितने भी संयंत्र बताए ना जितनी भी फैक्ट्रीज बताएं इन सभी को मिला कर एक मतलब बना देना ये आप समझिए इसका मतलब होगा ठीक है ठीक है स्टिल स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये है भारतीय स्थापित प्राधिकरण लिमिटेड जिसका फुल फॉर्म है इसमें आपको क्या हुआ था कि भिलाई राउकेला बोकारो सलेम विश्वविद्यालय ये सभी जितने भी आपके संयंत्र तो सभी को स्थापित कर कर एक कर दिया गया था इसकी स्थापना कब हुई थी इसका राइट आंसर आ जाएगा 1974 ठीक है 1974 24 चौबीस जनवरी को ये स्थापित किया गया था आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन है, है कोयले की स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है जमशेदपुर को भद्रावती को दुर्गापुर को या फिर भिले को इसका राइट आंसर आ जाएगा बी आई एस एल भद्रावती को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में इस्टाप कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्र के पश्चात बनाया गया था मतलब बहुत सारे पहले ही बनाए जा चुके थे स्वतंत्रता के बाद कौन सा बनाया गया था ये आपको आंसर देना है तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा आपका भिलाई दुर्गापुर और रावकेला मतलब ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लौहताब कहाँ पे बनाया गया था पश्चिम बंगाल में कुल्टी में बनाया गया था जो कि 1874 में बनाया गया था और यहाँ पर आज़ादी के बाद का पूछा हुआ है तो कौन कौन सा है भिलाई दुर्गापुर और रावकेला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर है भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी बहुत सारे दोस्तों को लग रहा होगा यहाँ इसका राइट आंसर मुंबई होगा पर मैं आपको बता देना चाहूँगी ये गलत उत्तर है सबसे पहले जो है सूती वस्त्र उद्योग वो स्थापित किया गया था आपका कोलकाता में तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा और बाद में अगर हम देखें तो मुंबई का जो आपका इलाका है मतलब पूरा महाराष्ट्र है जो महाराष्ट्र में भी इसका अच्छा खासा उद्योग देखने को मिला वहाँ पे ये अच्छे से फला फूला गुजरात और महाराष्ट्र आपके दो प्रमुख जो है, हैं राज्य हैं जहाँ पर सूती वस्त्र मतलब कपास उद्योग का बहुत अधिक विकास हुआ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था तो ये आपका हुआ था कोलकाता में अब हम बात करते हैं सूती वस्तु उद्योग की तो उसके लिए कहा जाता है कि जो आपकी कपास की खेती है उसके लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी रहती है तो ये अधिक मात्रा में आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है और गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है और कुछ कुछ इलाकों में भी और पाया जाता है तो वहाँ पर कपास की खेती की जाती है और मैंने आपको मिट्टियों के बारे में बहुत अच्छे से बढ़ाया तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं क्योंकि हम सभी चीज़ें एक वीडियो में नहीं डिस्कस कर सकते इससे आप भी कन्फ्यूज हो सकते हैं मतलब इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा हेंड देती हूँ और मिलाते चलती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए है ना चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है लौ स्टाप उद्योग वस्त्र उद्योग पटसन उद्योग या फिर चीनी उद्योग भारत में कई सारे उद्योग हैं पर यहाँ पर पूछा हुआ है कार्यकर्ता नियुक्त करता है बड़ी संख्या में तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वस्त्र उद्योग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरी से, तरीके से प्रभावित हुआ था इसका राइट right आंसर आ जाएगा जूट एवं रुई उद्योग जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था और दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली पर स्थापित किया गया था इसकी स्थापना कब हुई थी तो यहाँ पर जो और भी आपके नाम दिए हुए हैं जैसे कि ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कहाँ पर हुआ कानपुर में लाल इमली नाम पर स्थान पर हुआ था ठीक है तो इस सभी को आप लिख लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवेंटीन सेवेंटी सिक्स इसका सही उत्तर है तो दोस्तों यहाँ तक हमने बात कर ली कुछ इम्पॉर्टेंट्स आपके उद्योग जिसमें हमने लौह उद्योग देखा एक दो क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना और किसकी सहायता से ये मतलब यहाँ पर स्थापित किया गया था और जूट उद्योग इन सब के बारे में देखा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आप बने रहें हमारे चैनल पर कोई भी अगर आपको अपडेट चाहिए या फिर इंट्रेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जी हाँ आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हम पे विश्वास कर सकते हैं इंडिया एजुकेशन हब हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है जहाँ पर आपकी प्रवेश परीक्षा की तैयारी मतलब इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो जो हेल्पलाइन नंबर आपके दिख रही है इस पर आप कॉल कर सकते हैं ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से इंट्रेंस एग्जाम के लिए तो आज ही हमारा ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से इंडिया एजुकेशन हब आपको सर्च करना है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ वहाँ से भी जाकर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अधिक से अधिक शेयर करिएगा नमस्कार